नमस्कार, माँ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी जी। कहते हैं कि आज भी भगवान श्री विष्णु जी का दिल जगन्नाथ पुरी के मंदिर में स्थित श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। तो हम इन्हीं के दर्शन के लिए आज हम जगन्नाथ पुरी जा रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें।
तो हम पहुंच चुके हैं श्री जगन्नाथपुरी। आपको जो ये रथ दिखाई दे रहे हैं, अभी अधूरे रथ हैं, ये रथ यात्रा के टाइम पर ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इन रथों को खींचने के लिए बड़े बड़े रस्से, मोटे मोटे रस्से का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और अभी इनको सजाया गया नहीं है और इनके सजाने की तैयारियाँ चल रही है। इन रथों को सजाने के लिए, तैयार करने के लिए काफ़ी लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इन रथों को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन रथों पे भगवान जी के छोटे छोटे मूर्तियां भी लगी हुई है। इन रथों को तैयार करने के लिए काफ़ी लोग एकजुट होकर काम करते हैं, जिससे कि ये रथ यात्रा के दिन से पहले ही तैयार हो जाए। आप जो यह मंदिर देख रहे हैं, यह श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार मंदिर है ये। कहते हैं कि आज भी भगवान श्री विष्णु जी का दिल जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। यहाँ पर रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो अब हम चलते हैं समुद्र तट की ओर। आप देख सकते हैं समुद्र तट की ओर से आते हुए कुछ लोग। तो हम पहुंच चुके हैं समुद्र तट पे। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी।
कितना तो हम आपको दिखाएंगे आज रथ यात्रा। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रथ यात्रा को देखने के लिए भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आप जो ये रथ देख रहे हैं, यह श्री बलराम जी का रथ है। इस रथ को लाल रंग और ग्रीन कलर से बनाया गया है। इस रथ को खींचने के लिए मोटे रस्सों का यूज किया जाता है। काफ़ी लोग इस रथ पर बैठ के जाते हैं, यहाँ के महंत, यहाँ के पुजारी। आप देख सकते हैं इस रथ को खींचने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं, साथ ही पुलिसकर्मी भी है जो व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ पहला रथ निकल चुका है, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको यह जो दूसरा रथ दिखाई दे रहा है, यह है माता सुभद्रा जी का रथ है। इस रथ को ब्लैक और रेड कलर से बनाया गया है। इस रथ को खींचने के लिए भी काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, मोटे रस्सों का यूज किया जाता है और इस पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ इस रथ को आगे खींच रहे हैं, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन
इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं और रथ यात्रा में भाग लेते हैं। चारों तरफ भीड़ भाड़, चारों तरफ श्रद्धालु नजर आते हैं। मोटे मोटे रस्सों के साथ माता सुभद्रा जी का रथ खींचते हुए बरसाती मौसम में भी लोग रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ और देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस रथ यात्रा को देखने आते हैं। हर रथ के साथ लाखों श्रद्धालु दिखाई देंगे आपको, और साथ ही नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए आपको इस भीड़ में देख सकते हैं। आप जो यह तीसरा रथ देख रहे हैं, यह है श्री विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी का है, जिनके रथ को येलो और रेड कलर से बनाया गया है। इनके रथ को भी खींचने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं। ये हमारे आराध्य देव श्री विष्णु हरि हैं। आप देख सकते हैं सभी रथों के साथ भीड़ भाड़ के साथ काफ़ी श्रद्धालु, पूरी रोड भर चुकी है। श्रद्धालुओं से यह रोड भरी हुई है और आप देख सकते हैं, जूम के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको श्री विष्णु जी की प्रतिमा। धूमधाम से रथ यात्रा निकली जाती है और विष्णु जी का, श्री जगन्नाथ जी का यह रथ भी, इस रथ को भी बड़े और मोटे रस्सों के साथ खींचा जाता है। और ये तीनों रथ गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। कहते हैं कि श्री विष्णु जी के अवतार जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी यह अपने मौसी के घर जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। तो ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ, ढोल लंगड़ों के साथ यात्रा, रथ यात्रा को निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।